नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें तो दर्शकों आज का हमारा विषय है फलदार पौधों में होने वाली सामयिक क्रियाएं एवं प्रबंधन और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशे विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा शर्मा जी जो कि प्रिंसिपल फार्म मैनेजर हैं कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट में सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार सर जैसे आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो आधारित है कि फलदार पौधों का प्रबंधन जो है वो किस तरह से किया जाए तो जो हमारे फलदार पौधे हैं प्लांट्स हैं तो शीतकालीन में जो प्रबंधन का महत्व है वो क्यों आवश्यक है ये बहुत ही आज प्रबंधन की जहाँ तक बात है हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर जो फलदार हमारे बहुत सारे पूरे प्रदेश में बगीचे लगे हैं इसमें दो तरह के तीन प्रकार के हमारे जो क्षेत्र है भौलौकिक भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक हमारा जो प्रदेश है उसमें जो हमारे बगीचे हैं उसमें शीतोषण फल है और दूसरे सदाबहार है और इन दो वर्गों में है इनको बांटा गया है हमारे प्रदेश में अभी तक वर्तमान में जो फलदार फलदार पौधे हैं बगीचे हैं वो लगभग दो लाख पच्चीस हज़ार हेक्टेयर में अभी तक बागवानों ने लगाए हैं जिसमें कि एक लाख पंद्रह हज़ार हेक्टेयर में सेब का ही उत्पादन होता है तो ये जो हमारा प्रबंधन है जो बगीचों का प्रबंधन है ये बहुत ही प्रमुख प्र, प्रमुख कार्य है जो अगर सही प्रबंधन है तो बगीचा सही चलेगा उत्पादन सही होगा और बागवानों को इस सही प्रबंधन से अधिक लाभ इससे मिलेगा जब उसका फल जो उनका फल जो है फलदार फल देने लगेगा बगीचा तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसका उचित प्रबंधन करें बगीचों का जी सर जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस है आंसर उसी डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन में अगर हमने बगीचा लगाना है तो कौन कौन से फलों का जो बगीचा है वो कहाँ कहाँ लग सकता है सर ये बहुत ही हमारे बागवानों के लिए एक सोचने विषय है कि हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है हमारे प्रदेश की वो हमारे गर्म इलाकों से जैसे आपका ऊना है सोलन है नालागढ़ है ये हमीरपुर ज़िला है ये हमारे गर्म क्षेत्रों में आता है तो गर्म क्षेत्र से लेकर फिर हम जब ऊपरी पूरे पुल्य हिमाचल में पहुंचते हैं उसमें सोलन शिमला कुल्लू और मंडी चंबा आदि क्षेत्र है जहां पर हम शीतोषण फल जिसमें के नहीं। नहीं। आ, सेब प्रमुख है शीतोषण फल गुठलीदार फल है तथा नाशपाती आदि की खेती हम इस क्षेत्रों में करते हैं तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक शीतोषण फल जिसमें शीतोषण फल कहते हैं जो सर्दियों में जिनके पत्ते झड़ जाते हैं वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं तो और इनका जो प्रबंधन कार्य है सर्दियों में ही इन इस तरह के फलदार पौधों के बगीचों का कार्य हम सर्दियों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं और करने भी चाहिए किसानों को जिससे कि उनको अपने बगीचों से अधिक से अधिक लाभ मिल सके जी सर सर अभी आपने जिक्र किया कि हमारे पास जो है वो शीतोषण फलदार बगीचे हैं जिसमें सेब जो है वो प्रमुख है तो सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सेब का जो बगीचा है उसमें हमारा जो सेब का तुड़ान है वो तो हो चुका, हो चुका है।, है लेकिन अब सर्दियों में जो है वो हमें सेब के बगीचे का जो है वो किस तरह से मैनेजमेंट करनी चाहिए किस तरह से उसका प्रबंधन करना चाहिए ताकि जो हमारा सेब का प्लांट है वो आ, जो है वो ठीक रहे।, रहे वो उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना लगे और साथ में ही सर जो हमारे बागवान भाई बहन है उनको कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए अपने बगीचों में देखिए जो सेब का बगीचा है जी। वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने कहा कि कुल्लू शिमला मंडी और किन्नौर जी लाहौल स्पीति भी इसमें कुछ क्षेत्र आता है तो अभी अभी कुछ क्षेत्रों में सेब का तुड़ान हो चुका है ये पंद्रह जुलाई से शुरू होता है और पंद्रह अक्टूबर के लगभग ये समाप्त होता है निचले क्षेत्रों में जैसे आपके अगर थोड़े मध्यम वर्गीय क्षेत्र है जैसे सोलन है शिमला के गर्म इलाके हैं निचले क्षेत्र हैं वहाँ पंद्रह जुलाई से ये तुड़ान शुरू हो गया है और भी अगस्त सितंबर और पंद्रह अक्टूबर तक ये तुड़ान चलता रहेगा जिन जिन बगीचों में हमने पहले तुड़ान कर लिया है वो आप जानते हैं कि फल लगते हैं तो फल में उसके तत्व बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो बिल्कुल सेब का पौधा जो अपने आप को खाली महसूस करता है उसको आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको सही उर्वरक दे खादे दें तो सबसे पहला काम जो है बागवानों को ये करना है कि तोड़ान के तुरंत बाद एक हफ्ते में एक हफ्ते के अंदर अंदर क्योंकि जब आप तोड़ान करते हैं तो कुछ टहनियाँ टूट जाती है उसमें टहनी में जख्म लग जाता है और पत्ते झड़ जाते हैं तो जहाँ जहाँ जख्म होता है उसको जख्म को अगर हम उसमें स्प्रे छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है तो हमें जो आज हमारे जो सिफारिश है वो हम ब्लाईटोक्स का हम स्प्रे करते हैं और वो आपको किसानों को तुरंत कर देना चाहिए जिससे कि जो आपका जिसमें जख्म हुए हैं जिसमें पौधे में चोटें लगी है उससे वो सुरक्षित हो सके और आगे आने वाले समय के लिए वो पौधा तंदुरुस्त हो सके उसके पंद्रह बीस दिन बाद हमें क्या करना है कि हमें उस पौधे में क्योंकि न, सारी जो तत्व हैं वो खाली हो गए पौधे में वो यूज़ हुआ है तो हमें कुछ आ, जो हमारी सिफारिशें हैं उसमें हमें यूरिया यूरिया जो हमारी खाद है नाइट्रोजन खाद है या दूसरा जो जिससे नाइट्रोजन मिलता है नहीं। नहीं। उसका छिड़काव भी हमें फल पत्तों पे करना है क्योंकि पत्तों में क्या होता है जैसे आप पत्ता पत्त झड़ से पहले, पहले पहले पत्ता भोजन बनाता आप जानते हैं कि जो हमारा पौधे का जो रसोई है वो कीचन है वो पत्ता है तो पत्तों में कहता है सूर्य की किरणें आती है और आपकी वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण होती है सेंटर तो सेंटर वो सेंटर। बहुत फोटोसिंथेसिस होते हैं तो उसके माध्यम से पौधा भोजन प्राप्त करता है और अगले साल के लिए जो हमारा बीमा है जिसमें फूल आना है उस बीमो में वो सारे नाइट्रोजन फास्फोरस अन्य तत्वों का संचार करके पत्ता वहाँ पर उसको भंडारण कर देता है तो ये बहुत ज़रूरी है ए, किसान और बागवानों के लिए कि तुड़ान के बाद जो ये प्रक्रिया हैं, इसको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी ये आ, सर विदाउट जैसे नॉलेज बोलते हैं हम कि हम विदाउट नॉलेज हम कुछ नहीं कर सकते तो उसी तरह से अगर हम कोई भी काम करें अब जैसे हम फील्ड से रिलेटेड काम करें तो उसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है नॉलेज की भी ज़रूरत होती है तो जो हमारे बागवान भाई बहन हैं उनको वैज्ञानिक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं तो उनको किस तरह से जैसे अपना बगीचा इस्टेब्लिश करना चाहिए कैसे उनको दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए कैसे बगीचे का रख रखाव करना चाहिए तो अगर उनको किसी टाइप की ऐसी साइंटिफिक अगर उनको नॉलेज लेनी चाहिए तो वो कहाँ पे संपर्क करेंगे और किस तरह से उनको वो नॉलेज प्राप्त होगी ये तो हमारे जो विश्वविद्यालय है जी। आप जानते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय बागवानी और बागवानी जो नौणी में है और पूरे एशिया में इसका नाम है जी तो ये सामना जो कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे जिले में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र बना है दूसरा जो हमारे उद्यान विभाग है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के लिए ये कार्य करती है हमारा विश्वविद्यालय जो कृषि विज्ञान केंद्र है विश्वविद्यालय के हैं, यहाँ पर किसानों के लिए पूरे साल जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं किसान जो है वहाँ पर हमें आते हैं और हम उनको प्रशिक्षण प्रदान दे देते, देते हैं जिस विषय के ऊपर जो ट्रेनिंग है या क्या वो प्रशिक्षण देना है वो समयबद्ध तरीके से हम विश्वविद्यालय जो है विभिन्न क्षेत्रों में जा के या वहाँ गाँव में जा के या फिर हमारे विश्वविद्यालय का जो हमारे मेन हमारा कैंपस है या हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के जो uh, जहाँ स्थापित है जैसे शिमला का रोडू में है uh, सोलन का कंडा घाट में है वैसे ही किन्नौर का हमारा रिकोंगपियो में है तो और दूसरे ज़िलों में हर जिलों में ये कृषि विज्ञान केंद्र बने हैं और पूरे साल जो है हम किसानों को जो है इसकी तकनीकी जानकारी वहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से या दूसरे कई भी माध्यम से हम उनको समय पर देते रहते हैं साथ में जो आपने बात की कि नया बगीचा लगाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नए बगीचे की अब अब जो शीतोषण फलों में जिसमें सेब है नाशपाती है गुटीदार फल है और दूसरे फल है जो अभी सर्दियों में जिनका हमने जिनके हमने बगीचा स्थापित करना है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक चीज़ों की वैज्ञानिक तरीक़ों की उसमें आवश्यकता है जैसे आपका बगीचा कहाँ लगाना है भूमि का चयन बहुत ज़रूरी है कौन से क्योंकि पौधा जो है एक कौन सी ढलान चाहिए खास करके सेब का जो हमारा बगीचा लगता है उसमें हमारे को दक्षिण जो ढलान है वहाँ पर ज़्यादा धूप लगती है पूरे दिन धूप लगे ऐसी भूमि का हमें चयन करना है उससे उसके बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि वहाँ मिट्टी की मिट्टी कैसी है भूमि में कौन कौन सी उत्पादक शक्ति है और वो जो हमारा जितना भी जो क्षेत्र है वो हमें उसको चयनित करना है उसके साथ हमें मिट्टी का चयन करना है उसके पश्चात हमें उसकी प्लानिंग करनी है उसके खेत सीधे करने हैं और जिसके द्वारा अगर हम समतल भूमि के उसको तैयार करेंगे उसके बाद हमें चलना है कि हमने भूमि कौन सा आपने पौधा लगाना है अगर सेब का लगाना है तो सेब के लिए हमें जो है किस तरह का हमें लेआउट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी किस्में लगानी है किस्मों का चयन भी बहुत जरूरी है। और कहाँ से हमें पौधे लेने हैं ये बहुत ही ज़्यादा इसके ध्यान देने की जरूरत है बागवान भाई जी सर अगर जो भी जैसे कोई बागवान भाई बहन है अगर वो नया बगीचा लगाना चाहता है तो आपने बोला कि मिट्टी का चयन भूमि का चयन करना चाहिए तो आ, उनको क्या सोयल टेस्टिंग भी करवानी चाहिए हाँ। उस ये बहुत जरूरी है मिट्टी की जांच जी आज प्रमुख साधन है आपको पता है कि हमारे मिट्टी में सत्रह प्रकार के पोषक तत्व होते हैं अब मिट्टी कौन सी है पथरीली मिट्टी है या भूमि का भूमि का क्या स्वरूप है स्वरूप। तो वो सबसे पहला है कि मिट्टी की जांच बागवानों को अगर बगीचा लगाना है सबसे पहले करना है कि उसमें कौन कौन से तत्व बहुत ज़रूरी है जैसे प्रमुख तत्व हमारे नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटाश है अन्य सत्रह तत्व के तत्व हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें उस भूमि को देखना है कि वहाँ धूप लगती है वो सड़क के किनारे हैं क्या जब हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी कि वो हमने मंडी में भेजना है उसके लिए वहाँ तुरान के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन करनी है वो बहुत ज़रूरी है और हमें साथ में देखना है कि उसमें भूमि में जो है आसपास जंगल तो नहीं है या भूमि का जो आपका जो बाढ़ का चारों चार बाढ़ लगानी है तारे लगानी है ये सारे सारे कार्य जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि बगीचा बगीचे का चयन भूमि का चयन बहुत अगर नहीं किया अगर आपने उसको सोच विचार के नहीं किया तो आने वाले समय में जब वो फलदार हो उसमें बहुत सारी समस्याएं आए आएगी तो इसलिए आप मिट्टी का जांच जो है हमारे विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं उसका उसका सैंपल या फिर हमारे अन्य दूसरे जो विभाग है वो भी मिट्टी की जाँच करते हैं तो ये बहुत प्रमुख प्रक्रिया है कि भूमि का चयन भूमि किस तरह की होनी चाहिए मिट्टी की जांच होनी चाहिए और उसमें आने वाले समय में किस तरह का हमें पौधा लगाना वो भी हमें पौधरोपण करना है वो समय तरीके से ये भी कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सर अभी आपने जिक्र किया कि हमें पौधे का जो वो है मतलब जब हमने लेना है तो हाँ। वो भी हमें स्वस्थ लेना चाहिए तो सर जो हमारे पास एक स्वस्थ जो पौधा होगा जैसे हम नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो वो हमारे जो बागवान भाई बहन है उनको वो पौधा कहाँ से जो है वो उपलब्ध होगा ताकि उसकी प्लांटेशन अच्छी हो क्योंकि आउटपुट जो है वो नेचुरली किसान बागवान तभी वो करेंगे लगाएंगे कि उनका जो आउटपुट है वो अच्छा निकले अच्छा निकले तो नर्सरी मतलब कौन कौन सी ऐसी नर्सरीज हैं जहाँ से बागवान जो हमारे भाई बहन है वो वहाँ से प्लांट ला सकें ये बहुत ही प्रमुख विषय है कि जब भी आप कोई बगीचा लगाना चाह रहा है तो उसमें पौधे की पौधे का चयन बहुत ज़रूरी है हमें कहाँ से ये पौधे उपलब्ध होंगे अब सर्दी वाले पौधे जैसे सेब की बात की नाशपाती की बात की पलम की की आड़ू की की तो ये हमारे जो विश्वविद्यालय हैं ये हमारा नौनी विश्वविद्यालय है पालमपुर विश्वविद्यालय है और हमारे उद्यान विभाग है यहाँ हम सर्दियों में बागवानों को ये पौधे उपलब्ध करवाते हैं और स्वस्थ नर्सरी अच्छी अच्छी किस्में किस्मों का चयन बहुत जरूरी है किसान क्षेत्र के हिसाब से कि उसने जो है बहुत ऊंची हाइट में लगाना है या मध्य क्षेत्र में लगाना है या निचले क्षेत्र में सेब आजकल तो सेब आपका सोलन में भी लग रहा है जी तो बहुत हुआ है तो वहाँ के सोलन में जो सेब की किस्में लगानी है वो आपको उसके हिसाब से लेनी है आपने शिमला में लगानी है तो उसके हिसाब से लेनी है किन्नौर के उच्च क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ पड़ती है जो छः हज़ार जहाँ पर हाँ, मीटर हाइट है वहाँ के लिए अलग तो वो किस मौका चैलेंज और नर्सरी की उपलब्धता कहाँ से ये लेनी है तो विश्वविद्यालय प्रथम है दूसरा हमारा उद्यान विभाग की जो पंजीकृत नर्सियाँ हैं जो नौनी से नहीं ले सकता है पंजीकृत नर्सियों से ही लें पौधा स्वस्थ लें पौधा जो लगाने से पहले विशेषज्ञों के पास उसके उसको उसकी सलाह जरूर ले कि किस तरह का पौधा लगाना है कौन सा लगाना है कौन सी किस्म लगानी है।, है और समय पे आप पौधरोपण करेंगे बगीचा स्थापित करेंगे तभी आने वाले समय में वो बगीचा क्योंकि शुरू की जो आपकी उसकी सारी प्रक्रियाएं अगर सही होगी तो आने वाले समय में उसको पौधे से बगीचे से अच्छा लाभ तभी मिलेगा अगर उचित किस्में और अच्छे पौधे हम

बगीचे लगा रहे हैं एक सघन खेती है सघन खेती में जो है हम पौधा बहुत नज़दीक लगाते हैं और उसमें आपको पैदावार भी जल्दी आती है तो जैसे फैदर प्लांट की बात करें हम फैदर प्लांट हम तीन साल पुराना पौधा जो है या हम किसी पंजीकृत नर्सरी से ले विश्वविद्यालय से ले तो उसमें अगर आप अगर आप फैदर प्लांट लगाएंगे तो वो सेम उसी सीजन में आपको फसल मिल सकती है तो वो ये पौधा जो है तीन फुट की दूरी में लगता है पौधे से से पौधा और फुट जो है लाएं से लाएं है आप लाइन लाइन लगता तो एक बीघा जो 800 सौ स्क्वेयर मीटर के लगभग होता है उसमें आप 300 से 400 पौधे लगा सकते हैं जबकि पुराने जमाने में आपके 25 फुट की दूरी में हम रॉयल का लगाते थे अब वो नई प्रक्रिया शुरू हो गई है स, उसी साल प, आप पौधरोपण करेंगे फेदर प्लांट गए उसी साल उसमें फसल ले सकते हैं नहीं तो अब तीसरे साल तो बहुत अच्छी फसल आ सकती है और अच्छी पैदावार और वो पौधा छोटा भी रहता है बॉनी किस्म का है उसको रूट स्टॉक पे हम ग्राफ्ट करते हैं दो तरह की हम नर्सरी लाते हैं एक तो हम जो बीज से पौधा तैयार किया उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे दूसरा हम रूट स्टॉक जो कई तरह के रूट स्टॉक है उसमें ड्वार रूट स्टॉक भी, भी है बड़े वाले रूट स्टॉक भी है तो वो सारे हम इस तरह से पौधों का चयन बहुत जरूरी है सोलन के लिए अलग किसमें हैं और जिसमें के प्रमुख तौर पर हम आपने सुना होगा कि एक जैरोमाइन है रेड ब्लॉक्स है किंग रॉट है और पॉलिनाइजर जो बहुत ज्यादा परागण का जो काम करता है जैसे आपने रॉय पुराने जमाने से गोल्डन हम सेब लगाते थे okay. अगर जिस बगीचे में गोल्डन अच्छा होगा रेड गोल्डन होगा उसमें पॉलिनेशन अच्छी पॉलीनेशन? होगी और रॉयल में जो रॉयल के लिए रॉयल अपने आप रॉयल का फूल जो अपने आप जो है प्रागण अपने आप नहीं ले सकता वो आपकी जो मधुमक्खियाँ होती है गोल्डन सेब से फूलों के ऊपर से वो प्रागण ले करके डिलीशियस वराइटी के ऊपर प्रागण करेगी तभी तो वो सेटिंग हो सकती है वैसे ही हम गाला जो आजकल चले चलेगा जैसे आपका रेडलम गाला है डार्क बैरॉन गाला है गेल गाला बहुत पुरानी किस्म है ये गाला किस्म बहुत अच्छी पॉपुलर हो रही है और किसानों को मैं सलाह देता हूँ ज़्यादा से अगर गाला की किस्में अपने बगीचे में लगाएंगे तो खाने में अच्छा है क्रिस्पी है जूसी है और पैदावार भी बहुत अच्छी है रंग भी बहुत अच्छा आता है तो ये पंद्रह भी तरह की वराइटियाँ हैं जो अभी किसानों के लिए आ, हमारे विश्वविद्यालय से और अन्य पंजीकृत नर्सियों से इसकी उपलब्धता हो सकती है कई किसान तो बाहर से भी मंगवा रहे हैं अभी उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश में लाखों पौधे विदेशों से मंगाए हैं ये जो बहुत सघन खेती हो रही है हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें दूसरी फल भी है जैसे नाशपाती है ये भी इसी तरह की नई किस्में बाहर से आई है आपने देखा नाशपाती की भी इतनी उतने ही दाम मिलते हैं जिसने सेबों के मिलते हैं तो वो करण भी, 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 भी डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं एक एक मतलब बगीचा लगाना है तो तीन चार तरह के फल हमें बहुत जरूरी लगाने है। तो ये बागवानों को आज वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने की जरूरत है नए 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 तरह की तकनीकें आ रही है उसमें शोध कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक और आने वाले समय में ये प्रदेश जो एक फलदार फल, फल राज्य के नाम से जाना जाएगा ये ऐसी मैं आशा रखता हूँ सर जब भी हम कोई बगीचा लगाते हैं तो उसमें हमारा जो मेन रोल रहता है वो रहता है खाद और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स का है ना तो हमारा जो ये जो फर्टिलाइजर्स है इसका उचित मात्रा में हमारी फील्ड में होना क्यों आवश्यक है सर देखो जो अभी आपके शीतोषण फलों की बात की जी सर इसके बाद हम सदाबहर पौधों की बात करेंगे जी। तो वो प्रबंधन कार्य ही अब जैसे तोड़ान के बाद अभी दिसंबर जनवरी और मैं जो हमारे प्रबंधन कार्य है ये बहुत ही इसके महत्वपूर्ण है जैसे खाद और उर्वरक की बात है तो अगर उचित खाद गोबर और उर्वरक डालेंगे तो उसमें पौधा स्वस्थ रहेगा पैदावार अच्छी होगी क्योंकि हमें जो भूमि है भूमि से तत्व लेने हैं जो सम अगर आप बैलेंस यूज ऑफ ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और अन्य तत्व करेंगे तो वो पौधा जो है स्वस्थ रहेगा स्वस्थ पौधा रहेगा तो अच्छी पैदावार देगा अच्छी पैदावार देगा तो गुणवत्ता वाले फल हमें उसे प्राप्त होंगे गुणवत्ता वाले फल होंगे तो अच्छा अच्छा दाम मिलेगा तो दाम मिलेगा तो किसानों की आर्थिकी ऐसे ही आ, अच्छी हो जाएगी अच्छी हो जाएगी तो हमारा प्रदेश जो है हृष्ट पुष्ट हो जाएगा अच्छा हो जाएगा तो इसलिए खादों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है खाद जो है हमें सबसे पहले जो आजकल काम करना है वो हमारे जो कि किसान है समय रहते क्योंकि अभी 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 उसमें पानी की अभी जैसे बारिश खत्म हुई है तो अभी मॉइस्चर उसमें है तो अभी जो है तौलिया हमारा जो होता है वो बहुत ज़रूरी बनाना होता है तो इसको समयबद्ध तरीके से बनाए और और उसमें अगर खाद का जो उपयोग है जैसे गोबर की खाद है फलदार पौधों में हम गोबर की खाद का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और साथ में जो हमारी खादें जैसे नाइट्रोजन है फास्फोरस है इसको भी हम फलदार पौधों में जो है वो उचित रेशों में डालें जो हमारी सिफारिशें हमारी विश्वविद्यालय ने की है उद्यान विभाग ने की है उचित समय में उचित प्रबंधन जो है खादों का प्रबंधन दूसरे जो हमारे जैसे आपके उर्वरक है जैसे आपका मैग्नीशियम है फास्फोरस है बोरोन है और ये कमी भी बहुत ज़्यादा पौधों में इस बार देखी गई है तो इसका संतुलित जो हमारा आ, उसका एप्लीकेशन है बहुत ज़रूरी है समयबद्ध तरीके से हमें इसको समय समय पर आपको इसका आ, जो है खादों का उपयोग उर्वरक का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है जी सर आजकल हम एप्पल के साथ साथ मार्केट में जो कीवी भी देख रहे हैं क्योंकि कीवी भी काफ़ी आ रही है तो कीवी का जब तुड़ान होता है तो उस टाइम जो है वो जो हमारे बागवान भाई बहन होते हैं उनको कौन कौन से प्रबंधन कार्य करने चाहिए ये कीवी फल आपने देखा होगा कि कीवी का जो आ, फल है ये बहुत ही पौष्टिक है आजकल आप मार्केट में देख रहे हैं किबी फल जो है मार्केट में बिकने आ रहा है तो आजकल अभी जो 15 सितंबर से कीवी का तोड़ान शुरू हो गया है और ये अभी 15 अक्टूबर तक चलेगा ये जैसे आज मैं ये आपको कीवी का फल है और इस फल को हम कच्चा तोड़ते हैं ये फल जो है और ये आपका ये साथ में इसमें देखना पड़ता है कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें रेशा होता है जब रेशा इससे अपने आप हटना शुरू हो जाता है ये देखिए आपका यहाँ रेशा है यहाँ सामने जो है इसमें रेशा हट गया है तो इसका इस सही समय इसका तोड़ान का आ गया है अभी इस समय तो की के तोड़ान के लिए हमें जो है ग्रेडिंग पैकिंग का जो होना बहुत ज़रूरी है इसका जो तोड़ान है इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड और सी ग्रेड तीन तरह के की के जो हम पैकिंग करते हैं तो वो आपका 100 ग्राम से 120 ग्राम तक जो है अगर कीवी का फल है तो वो एक रेड में आएगा तो किसानों को यह ध्यान रखना है कि इसकी जो तोड़ान है वो सही समय पर करें और इसकी पैकिंग करके मंडियों में अगर पैकिंग करके भेजेंगे तो इसका उचित दाम उनको किसानों को मिलेगा जी सर हाँ जी सर जो भी हमारे बागवान भाई बहन जो है वो कीवी की वराइटीज लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी वराइटीज है वो उनको लगानी चाहिए अभी तक जो हमारे जैसे आपका जो कीवी का क्षेत्र है बहुत सी क्षेत्र है जहाँ हिमाचल प्रदेश में कीवी लग सकता है जी। तो ये अगर कीवी का अगर बगीचा लगाना है पहले तो उसको सही क्षेत्र में जैसे मिड मिड जो हमारे मध्यम क्षेत्र है जैसे आपका आ, सोलन का है शिमला का है कुल्लू का है जहाँ पर आ, थोड़ी सर्दियों में ठंडक होती है तो वहाँ ही ये बगीचा लग सकता है तो कीवी का जो बगीचा लगाने के लिए हमें अभी सम, अभी जो है हमारी चार पांच वरायटियाँ इसमें सबसे प्रथम जो वरायटी है जिस जिसका मैं फल लाया हूँ वो एलिसन है तो एलिसन जो है बहुत ही अच्छी वराइटी है और इसकी पैदावार भी जो है आ, एक पौधे में लगभग एक कुंटल तक हो जाती है एक कुंटल से डेढ़ कुंटल लिखते हैं तीसरे साल इसमें फल आता है और इसके साथ जो है इसका एक परागण वाली किस्में भी इसमें आ, है दो तरह का है इसमें मेल और फीमेल नर और मादा जो पौधा है वो अलग अलग होता है तो जो न, मादा पौधे हैं नौ पौधे आपने मादा के लगाने एलिसन के और इसका मेल जो प्लांट है नर पौधा है वो एक लगाना है क्योंकि इसमें प्रागण जो है इसका मेल जो है मेल का जो प्रागण है वो जब आपके एलिसन फीमेल पे जाएगा तभी वो फीमेल पौधे पे जाएगा उसमें तभी इसकी क्रॉसिंग होगी तो ये ध्यान रखना है नौ पौधों के साथ एक पौधा आपने मेल का लेना है तो इसके लिए आप हमारे प्रदेश में हमारे विश्वविद्यालय में आए और इसका पौधे आप सर्दियों में ले सकते हैं जी डॉक्टर दुर्गा दर्शन शर्मा जी आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आ जाइए कि किस तरह से हमें अपने फलदार बगीचों का रख रखाव करना चाहिए आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा नमस्कार दर्शकों ये था हमारा आज का कार्यक्रम अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नमस्कार की दुनिया का वो कोहि जिसकी चमक पहली आवाज की दुनिया का वो कोहि नूर जिसकी चमक पहली पूरी दुनिया में